भारत में कुछ ही महीने में फ्रेंचाइजी क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आईपीएल शुरू होने वाला है। खबरें हैं कि मार्च के आखिरी हफ्ते में आईपीएल 2024 शुरू हो जाएगा। आईपीएल 2024 से पहले आईपीएल 2024 का ऑक्शन होना है, जो 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित होगा। 26 नवंबर तक सभी टीमों ने अपनी अपनी टीमों की अंतिम लिस्ट जारी कर दी थी। किन खिलाड़ी को रिलीज किया गया तो वहीं किन खिलाड़ी को रिटेन किया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने वाले हैं। क्या है खबर की सच्चाई? क्या वाकई में ऋषभ पंत जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में? आइए जानते हैं। कुछ महीने में भारत में आईपीएल का रोमांच शुरू हो जाएगा। आईपीएल 2024 मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू हो सकता है। उससे पहले आईपीएल 2024 ऑक्शन होना है, जिसके लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारी कर ली। 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल 2024 ऑक्शन आयोजित होना है, जिसमें सभी टीमें अगले सीजन के लिए अपनी टीमों को आखिरी रूप देने के लिए उतरेगी। ऑक्शन से पहले ही टीमों में फेरबदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस का दामन छोड़कर मुंबई इंडियंस चले गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर प्रदीप दास गुप्ता ने भी एक बड़ी संभावना जताई है। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए ऐसा पेंट के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने को लेकर बात कही है। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दास गुप्ता कमेंट्री के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उनकी क्रिकेट समझ भी काफी बेहतर है। दीपदास गुप्ता ने ऋषभ पंत को चेन्नई सुपर किंग्स में जाने को लेकर बात करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए इस बात की संभावना जताई है। साल 2025 में जब एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से रिटायरमेंट लेंगे, तब सीएसके ऋषभ पंत पर दाव लगा सकती है। ऋषभ पंत और एमएस धोनी दोनों काफी साथ रहे हैं। धोनी ऋषभ पंत को काफी पसंद करते हैं। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। धोनी के साथ रहकर ऋषभ पंत ने काफी सीखा है, तो ऐसे में धोनी की विरासत को उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता।